दर्शकों, कार्यक्रम धर्म ज्योति में आपका स्वागत है। हमारे बीच में स्वामी राजेश्वरानंद महाराज जी, एंड इनसे बात करते हैं युवा वर्ग की अगर हम बात करें नए साल। सबसे पहले तो दर्शकों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2017 का आगमन हो चुका है अंग्रेजी नव वर्ष के साथ। हमारे बीच में स्वामी जी हैं, इनसे बात करते हैं। युवा वर्ग की बात करें तो 2017 के अंदर गुरु जी हमने कदम रख दिया है, क्या कहना चाहेंगे? भारत टीवी के माध्यम से धर्म ज्योति के दर्शकों, आपको अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बात चल रही है युवाओं की, तो इस अंग्रेजी वर्ष को बार बार आपसे कहूंगा, एक दूसरे के साथ चर्चा कीजिए। अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं जी, अगर आप अपने बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, तो सबसे पहला इस चीज को विशेष बल दीजिए, अंग्रेजी नववर्ष की शुभकामनाएं। और फिर उसके साथ, अब जब युवा वर्ग की बात आई जी, तो जो पाश्चात्य संस्कृति है, ये शराब की, कबाब की, फूहड़ता की, नग्नता की, भौतिकवाद की, भोगवाद की और खींचती है। जबकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, ये ज्ञान देती है कि एक दूसरे की सेवा करके जीवन में कैसे आनंद लिया जा सकता है, मर्यादित जीवन जो है वो कितनी बुलंदियों तक जा सकता है जी। अब बात जब आ रही है तो युवा पीढ़ी से कहूंगा कि देखो, कितना समय बदल गया है। महाभारत का युद्ध हुआ, केवल किस बात पर हुआ? कि द्रौपदी के चीरहरण से बात शुरू हुई। यानी एक स्त्री का अगर चीरहरण के लिए किसी दुष्ट के हाथ उठे, अगर वस्त्र उसके सर से उतरा, तो महाभारत का युद्ध हो गया। कौरव पांडवों का ना जाने कितना इस पृथ्वी पर हाहाकार मचा जी। और आज वर्तमान में अगर किसी बहू बहन बेटी से ये कह दिया जाए कि बेटा, सिर पर पल्लू कर लो, जरा आपके कपड़े असभ्यता की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल आज इस बात पर युद्ध हो जाएगा। घर में महाभारत हो जाएगी। घर में क्या, समाज में महाभारत हो जाएगी। आप अपने घर में किसी को इस समय पर, सब की गलती है जी, टोटल हम सब लोग गलत हैं, कि इन संस्कारों को आप बचाइए। नगनता फुहड़ता आपको कहीं नहीं ले। मेरी इसी बातों का विरोध होता है जी जी जी, कि लड़कियों को कहते हैं, लड़कों को नहीं कहते हैं। मैं सबको कह रहा हूँ कि सबको समझना पड़ेगा अपनी अपनी जगह पर। जब तक दूसरे की तरफ उंगली करते रहोगे ना, तब तक चार उंगली आपकी तरफ रहेंगी। अब देखिए ना कि एक गरीब आदमी, किसी का जरा सा कपड़ा कहीं से फटा होगा ना जी, तो वो उसको छुपाने का प्रयास करता रहेगा, वो शर्मसार होता रहेगा कि मेरा कपड़ा छोटा सा फटा हुआ है। अमीर आदमी चार गुने मूल्य पर एक पैंट खरीद के लाएगा, एक जैकेट खरीद के लाएगा, जिसमें विशेषता ये ध्यान रखा जाएगा कि वो फटी होनी चाहिए जी जी जी। आजकल जीन्स का ट्रेंड जो चल रहा है जगह जगह से, वो फटी होनी चाहिए जी। वो फटी होनी शायद उसकी कौन सी संस्कृति का, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पाश्चात्य संस्कृति में शायद क्या कपड़े फटे हुए पहने जाते हैं जी, कि पता नहीं किस चीज को वो प्रदर्शित करना चाहते हैं। धर्म ज्योति के दर्शकों, भगवान भी देख रहा है। अगर परमात्मा ने आपको सब कुछ दिया है लेकिन आपको साफ सुथरे कपड़े पसंद नहीं, फटे हुए पसंद है, तो भगवान क्या करता है? हमारे बार बार जन्म मृत्यु का कारण क्या है? हमारे जन्म मृत्यु का कारण ये है, हम जो इच्छा रखते हैं मन में, जो चीज हमारे को पसंद आती है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए फिर पुनर्जन्म मिल जाता है। अगर आपको आपके साफ सुथरे, आपके सर ढके हुए कपड़े पसंद नहीं आते, अगर आपको फटे हुए कपड़े पसंद आते हैं, भगवान भी ये विचार करता है, इसका मतलब मेरे से गलती हो गई। तेरे को धन संपत्ति यश वैभव कपड़ा रोटी कपड़ा मकान देकर मेरे से गलती हो गई, अगला जन्म जो दूंगा ना तेरे को फटे हुए कपड़े पसंद है ना, तो चिंता नहीं कर, अगले जन्म में तेरे को इसी रूप में दूंगा कि तेरे को बार बार इतने महंगे खरीदने नहीं पड़ेंगे, बल्कि जो तेरे पास होंगे तेरे को फटे हुए पहनने पड़ेंगे। संस्कृति की बात करो, समाज की बात करो, धर्म की बात करो, अध्यात्म की बात करो जी, किसी भी नजरिए से देखो, हया, शर्म, लज्जा, दया,
करुणा, प्रेम, ये शब्द छोटे हो सकते हैं जी, लेकिन इनमें बहुत बहुत सार भरा हुआ है। मैं धर्म ज्योति के माध्यम से बड़े कम शब्दों में यही कहूँगा, मर्यादा का ध्यान रखिए। आप अगर जीवन में आनंद लेना चाहते हो और प्रसन्नता लेना चाहते हैं, खुशी तो आपको एक फटे हुए कपड़े पहन के मिल सकती है, खुशी तो आपको सिर पर से चुन्नी हटा के मिल सकती है, खुशी तो आपको चंद मिनट के लिए आपको फुहड़ता में कम कपड़ों में मिल सकती है, लेकिन जीवन में प्रसन्नता जो है ना, आनंद जो है ना, एक जो शांति है ना, जो सुख है ना, वो कभी भी आपको इस तरफ से नहीं मिलेगा। वो आपको मर्यादित जीवन जीने से, अपनी मुस्कुराहट के साथ साथ किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जय देवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलूंगा नए नए विचारों के साथ भारत टीवी के माध्यम से धर्म ज्योति। ये थे हमारे साथ गुरुजी राजेश्वरन, जिन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, जीना किस चीज का नाम है, गुरुजी ने अपने शब्दों में कहा। कार्यक्रम धर्म ज्योति के दर्शकों, समय का अभाव है विदा लेने का, अगले सप्ताह हम फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।